आप देख रहे हैं इछावर न्यूज और ये है खबरें अपनों। आप सुन रहे हैं इछावर न्यूज, यह है खबरें अपनों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इछावर न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त ललित मुकाती। दरअसल खबरों में खास खबर यह है कि इछावर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामीण लोग और विधायक करण सिंह वर्मा जी मौजूद थे। और वर्मा जी का कहना था कि मैं चौकीदार हूं और मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत विपक्ष में रहकर की है, इसलिए कोई ये ना समझे कि सरकार के दम पर जनता को परेशान किया जा सकता है, इसलिए किसानों की समस्याओं से लड़ने के लिए मैं संकल्पित हूँ। साथ ही साथ जब हमने जनता से चर्चा की तो बढ़े हुए बिजली को बिल को लेकर उनके मन में बहुत ही आक्रोश था तथा किसान समस्याएं कार्यालय में और भी बढ़ रही है। दूसरा, आप ये नकल की मनमाने तरीके से पैसा ले रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा 2,000-4,000, इसे तत्काल दिन में बड़ा उग्र आंदोलन करूंगा, इसे चलने नहीं दूंगा। फिर अभी 39,000 का बिल है, 39,000 का बिल भी है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में किस्त हितग्राही को मिल नहीं पा रही, किसानों की मवेशियों का आपदा से नुकसान जो होने हैं क्षतिपूर्ति। एक मैंने गांव का नाम दिया था, कौन सा गांव था? मोहनपुर। मोहनलाल देवीलाल एक व्यक्ति है, इसकी भैंस गाय है, भैंस आकाशीय बिजली से मरी, डॉक्टर ने उसका मुआवजा पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करके और पटवारी ने लिखा, सरपंच लिखा, सचिव ने लिखा, सबने लिखा, उसे आज तक राहत राशि नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इछावर न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त ललित मुकाती। कैमरे पर है मनीष वर्मा जी। फिलहाल हम मौजूद हैं इछावर तहसील कार्यालय के सामने के प्रांगण में और यहां पर विशाल प्रदर्शन जो है आयोजित किया जा रहा है ग्रामीण लोगों द्वारा। दरअसल उनकी कई प्रकार की मांगे हैं, जैसे बिजली के बिल में पहले 200 रुपये आता था और अब हज़ारों में बिल आ रहा है। उसके अलावा लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं खसरे खतौनी के लिए। उसके अलावा और भी लोगों की कई मांगे हैं, रास्ते को लेकर लोगों में विवाद है और कर्जा माफ़ी नहीं हो रही है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या समस्या है। आप बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है, पहले आपका नाम बता दीजिए। ममता भाई झाल की। हमारी समस्या यह है कि हमारे कुआ पे जाते हैं 50 माल बंदी हम मवेशी और न से 100 एकड़ जमीन पड़ी मेरी काली और बोने नहीं देते हैं। मांगे हैं हमको यह समस्या है कि बिजली का बिल बहुत आते हैं और हमारी ये रास्ता का समस्या है कि हमको भोजन बनाना में हमको शाम को दिक्कत आती है, इंदर हम कैसे बनाए। अच्छा, किस गांव के रहने वाले? हम झालकी के रहने वाली। झालकी के? तो दरअसल लोगों का ये कहना है कि पूरा गांव जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, तो ये आरोप है। आइए जानते हैं लोगों से, बाकी लोगों से, कि वो क्या कहना चाहते हैं, बिल को लेकर क्या घमासान चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इछावर न्यूज़ और मैं हूँ आपका दोस्त ललित मुकाती। फिलहाल यहाँ पर तहसील कार्यालय इछावर में जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है ग्रामीण लोगों द्वारा। दरअसल पहले ये होता था कि बिल 200 रुपये आता था और अब हज़ारों में बिल आ रहा है। उसके अलावा खसरे खतौनी की नकल के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं और ऐसी कई समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या समस्या है। आप बताइए अपना नाम और आपकी क्या समस्या है, ये मुझे बताइए। मैं राजपाल परमार बागनखेड़ा से आया हूँ और जब से कमलनाथ सरकार आई है तब से जो पूर्व सरकार की योजनाएँ थी, जो लोगों की हितग्राही योजनाएँ थी, वो काफ़ी योजनाएँ बंद हुई है। हमारा सबल योजना के अंतर्गत बिल माफ़ हुआ था और उस समय से 100 रुपये बिजली बिल आता था और आज वही बिल वापस 500-600 रुपये आ रहे हैं, वो चरम सीमा पर आ रहे हैं। तो बिजली बिल की समस्या है, साथ ही गांव में सड़कों की समस्या है। कमलनाथ सरकार ने जो शिवराजी सरकार सड़क बना के गए थे तो आज बारिश में जो गड्ढे हो रहे वो भी भरने का काम नहीं कर रही है और इस कमलनाथ सरकार से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को कि जब से सरकार आई है पूरा मध्य प्रदेश में अस्त व्यस्त योजनाएँ चल रही है। 337 के करीब मध्य प्रदेश की जो पूर्व किसानों के हित की योजनाएं थी उनको बंद किया है। किसानों से जो वादा किया था कर्ज माफ़ी का, वो भी कमलनाथ सर पूरा नहीं कर पाई है। कर्ज माफ़ी के नाम पर आज किसान परेशान हैं, बैंक वाले उन चक्कर काट रहे, उनको नोटिस भिजवा रहे हैं। बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। सरकार ने प्रमाण पत्र छाप के दे दिए हैं सबको, प्रमाण पत्र में एक बड़ा बजट लगा के प्रमाण पत्र दिए हैं और वो कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। आज किसान खाद के लिए परेशान है, किसान बीज के लिए परेशान है, किसान अपनी पैदावारी को लेकर और किसान इस कर्ज माफी के चक्कर में आज इस समय किसानों को खाद बीज मिला काफ़ी किसान परेशान हैं। हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कमलनाथ सरकार के विरोध में और कमलनाथ सरकार से
एक ये भी गुजारिश करेंगे कि किसानों के हित में कार्य करें और अच्छा कार्य करें। हम चाहते हैं कि कमलनाथ सरकार को काफ़ी जो किसानों के विरोध में जो काम कर रही है वो योजनाएं बंद करें और शिवराज सिंह सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को पुनः चलाएं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चारों ओर से समस्याओं से लोग घिर चुके हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास बिल नज़र आ रहा है, इनसे जानते हैं कि बिल किस औचित्य में यहाँ पर दिख रहा है। आप बताइए आपकी समस्या क्या है। सर समस्या यह है, मैं ग्राम अमलाह का रहने वाला हूँ। प्रमोद सोनी का बिल है, 39,000 का बिल आया है 3 महीने का। उससे पहले 300-700 रुपये बिल आता था, अब 39,000 रुपये बिल आ रहा है और लाइट भी काट दी। 3 दिन हो गए लाइट काटे हुए, अंधेरे में रहना पड़ रहा है ग्रामीण जन को। और कम से कम 150 लोगों की ऐसी समस्या है जिनका 11,000 से 15,000 के बीच में, 20,000 के बीच में बिजली का बिल आ रहा है। और उसके बाद में भी ये सरचार्ज लगा रहे हैं, मीटर आपके पास है उसके बाद भी नया मीटर लगा रहे हैं, उसका 1,800-2,000 चार्ज ले रहे हैं। तो ये मनमानी कर रहे हैं सब वहाँ पे। तो उसके लिए हम सब यहाँ पे आज युवा मोर्चा की ओर से भी सरकार, कमलनाथ सरकार से ये करेंगे कि ये जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी। तो कहीं पर तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं पर अन्य चीज़ों का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल आप ये हमें बताइए कि आपकी क्या मांग है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की सरकार है। सरकार जो वादे किए थे, कमलनाथ जी ने बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ी करेंगे, तो वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ अभी तक। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो मेरे किसान भाइयों ने, जो गांव-गांव के परेशान हैं, जिनको बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा, वो बैंक के चक्कर ना काटे, क्योंकि कमलनाथ जी से विकास है कि जो कर्जा माफ़ नहीं हुआ वो कर्जा माफ़ या तो जल्दी से जल्दी करें या फिर अपनी कुर्सी छोड़े, यही कहने का मतलब है। और जहाँ से तात्पर्य मेरी माता बहनें भी यही है, परेशान हैं हम, खाद के लिए, बीज के लिए परेशान हैं हमें, बिल्कुल मतलब बार बार तहसील या सही भी जाना पड़ता है। मतलब ये कि हम लोग इतने परेशान। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमलनाथ सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खैर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और आप देख रहे हैं छावर न्यूज और मैं हूँ आपका दोस्त ललित मुकाती। इसको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, किसान खेती करने वालों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, हर गांव में पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी, जो आजकल हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं। 6,000 रुपए जो मोदी जी ने अनुदान के रूप में दिया है, अपना कपट ना तो कोई हिसाब ही नहीं दी जाए कि इतना हार माना है, किसान पैसा नहीं आ रहा है। आप सुन रहे हैं इच्छावर न्यूज, यह है खबरें।